मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की 3 सूची जारी कर दी है। मेयर विधानसभा में भाजपा ने अपने सिटिंग एमएलए नारायण त्रिपाठी का टिकट काटकर श्रीकांत चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद जगह जगह श्रीकांत का स्वागत सत्कार हो रहा है। मैयर विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पक्की होने के बाद श्रीकांत चतुर्वेदी जब अपने विधानसभा क्षेत्र मैयर पहुंचे, उनके स्वागत के लिए जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर श्रीकांत चतुर्वेदी के पक्ष में जुलूस निकाला और नारे लगाए। इस दौरान श्रीकांत चतुर्वेदी ने मैयर से ही भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी का नहीं हुआ उसे किनारे लगा दिया गया है। मैं कई सालों से भाजपा संगठन का काम कर रहा था, इसलिए पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। वहीं मैयर के भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। चेहरा बदलना उसको कहते हैं कि दो कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं और कोई एक कार्यकर्ता 2 साल तक रहा, फिर इसके बाद उसको बदलना, उसको चेहरा बदलना कहते हैं। ये तो जिस सरकार, जिस पार्टी ने इनको इतना बड़ा सम्मान दिया और शासन की सारी योजनाओं को खिलाफत बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किनारे किया है। और मैं विगत 4 साल से लगातार दिन रात संगठन का काम करता रहा, वो संगठन ने उसको देखा, उस काम के आधार पर मेरे को टिकट दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है और संगठन को साथ लेके चलना और संगठन की बुनियादी ढांचे में घुले मिले कार्यकर्ता को टिकट मिला है। निश्चित रूप से पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी की और सरकार की नीतियों को जन जन तक ले जाने का काम करेगी और निश्चित रूप से ऐतिहासिक मतों से और मैयर विधानसभा की एक एक पोलिंग को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।